सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं थाराबाई जोगेंद्र के बारे में। तो क्या थाराबाई जोगेंद्र का कोई डिस्ट्रिक्ट आने वाला है? तो इसके ऊपर आज उन्होंने कुछ ये कहा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे साथ है इट्स अ डॉप वाइब। तो भाई एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ आज, ठीक है? बिल्कुल 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 भाई, अनाउंसमेंट हो भाई, करे या ना करे, मेरे को तो डर लग रहा है कभी यार। तुम लोग बोलो कि जोगिंदर भाई आपने क्या अनाउंसमेंट कर दी भाई, करना जरूरी है। तो भाई मैंने ना प्लान बनाया है, जो 6 महीने पहले खटाई खट खटाई खटकाने डाले थे, तो दोबारा कंटिन्यू होने वाले हैं भाई। पहले ऐसा गाने करे क्या? पहले जैसा नहीं भाई, पहले तो खेल खेल में करते, थोड़ा बच्चों को डांटने समझाने के लिए। भाई जो हमारे पहले गाने थे ना भाई, तुम्हारी कसम डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे में गाना कंप्लीट है। और उसके बाद भाई मिक्स मास्टर हुआ करता था चंडीगढ़ से, बहुत ही बड़े मिक्स मास्टर, खतरनाक भाई क्या करते थे। और पता है गाना शूट कहाँ किया करते थे? अपनी सोसाइटी में, आस पड़ोस में गाना शूट करते। बट इस बार कुछ कमर्शियल करने की प्लान कर रहे हैं हम। बिल्कुल भाई, कमर्शियल चीजें आ रही है इस बार, पैन इंडिया लेवल मस्त है। तो भाई पैन इंडिया हिप हॉप, और भाई हम बताएंगे इस बार हिप हॉप क्या होता है, क्वालिटी हम दिखाएंगे खतरनाक वाली। तो टक्कर किससे भाई? अपनी भाई, बिल्कुल भाई तैयार हो जाओ सारे। रियल हिप हॉप किसे कहते हैं अब हम बताएंगे, रियल हिप हॉप किसे कहते हैं। हिप हॉप नहीं भाई, हिप हॉप का सीन ही चेंज कर दूंगा, तुम्हारी कसम हिप हॉप ही बदल दूंगा इस बार। भटाई भट्ट तब गाने डलेगा ना, भटाई भट्ट दिन में कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, तुम दिल पे मत लिया करो, ठीक है भाई? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं भाई। तो भाई है कोई टक्कर में, आ जाओ हिप हॉप इंडस्ट्री के अंदर, देख देंगे। तो चलिए अपने एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले फ्लाइंग बीस्ट और एयर एशिया के बीच कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन बहुत दिन बाद आज फ्लाइंग बीस्ट ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट कर लिखे, कैप्टन गौरव तनेजा वर्सेस एयर एशिया, इट वॉज ए गुड डे फॉर अस। तो चलिए अपने एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो रिसेंटली सौरभ जोशी गए हुए थे अलक पांडे सर की शादी में, लेकिन रास्ते पे उनकी थार की एक्सीडेंट हो गई। देखिए उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप। इनकी गाड़ी लग गई यहाँ पे, नुकसान तो हो गया। रोड पर गाड़ी चलती है, लगती रहती है। नहीं आप ये मत सुनिए, गाड़ी चलती है आपकी गाड़ी में अभी आपकी गलती से लगती है, आप क्या बोलते हैं? आप ये बताओ आप कैसे जस्टिस करना है? हम अभी पुलिस को बुलाएं, वो फैसला करे, थाने चले। आपको लग रहा है हमारे से लगी है, पर कोई बात नहीं, हम उसके सॉरी लग रहा है, आप ही से लगी है, हम उसके सॉरी जा रहे हैं। नहीं सॉरी 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 सॉरी, जो भी करना आप कर लो, हमारा नुकसान कौन भरेगा? नीचे थाने चलते हैं ना, वहाँ पे अपने आप को करेंगे। आपको ऐसे खड़ी गाड़ी में आपने मार दिया, अब आप कहेंगे खड़ी गाड़ी मैंने लाके आपकी गाड़ी में थोड़ा मार दी। सर आप भी आगे बढ़े, मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी रोड क्रॉस कर रहा हूँ, आप भी तो हो सकता है आप भी रोक लेते। हमारी गाड़ी आगे, आपकी गाड़ी पीछे, साइड पे भी हो सकती है। अरे हमारी गलती है, हमारी गलती, सॉरी 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 सॉरी। ऐसे कोई इतना लंबा आपका ये गाड़ी किसी और की है, उनका ड्राइवर है ये, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आदमी है, समझो बात को। कोई बात नहीं सर, सॉरी सॉरी, उसको करा आपकी गाड़ी है ये, हाँ आप चला रहे हैं, आप कौन लगते हैं इनके? बड़े भैया हैं, बड़े भैया हैं। आप अपने पापा या जो भी आपकी गाड़ी का मालिक कौन है, तो आप पापा से बात करो कि ऐसे हो गया है, नहीं, कैसे नहीं, कर लो यार, तो बताओ फिर, बताओ ना, गलती हो गई, थोड़ा सा ये टचिंग, हाँ डेंट निकलेगा। आप कॉल लो फिर, आपके पास लाइसेंस या मेरे पास है लाइसेंस? ये क्या मतलब सर? नहीं नहीं आप कॉल, नहीं नहीं आप कॉल लो ना कि क्या करना है। आप तो बिल्कुल आप ये इस तरह की बातें कर रहे हैं ना सर, आप ही कॉल नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी बात तो गलत चल रहा है। लाइसेंस की क्या बात आगे बीच में? आप कोई बात नहीं, हम कर देंगे जो भी है, हम कर देंगे, कोई बात नहीं। आप तो आप बोलो कि सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, आप ही यहाँ तो खतरनाक बहस हो चुकी है गाइस। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें भाई, हल्की सी लग गई है बम्पर से, कोने से लग गई, किस कोने से? हाँ एक फोटो ले लेना, एक मिनट रुक जाओ, सॉल्व करने तो हमारा, फिर फोटो ले लेना यहीं पे। ये कह रहे हैं पुलिस को बुलाएंगे भाई, इतने से के लिए पुलिस को बुलाएंगे? मेरी गाड़ी तो रोज ठुकती रहती है भाई, मैं तो फिर भी कुछ नहीं बोलता, जानबूझ के थोड़ा ना मारी यार, लग गई वो साइड से लग गई ना, 2000 रुपये मांग रहे इसके। अरे हो जाता सर, नहीं, नहीं, नहीं। सर मैंने बहुत बार कराया है सर, मैं बहुत, मेरी गाड़ी ठुकती रहती है, आगे का होता हो जाता, आगे वाला ये फेंडर है, इसमें थोड़ा सा लेबर की तरह करवा लेते, करवा लेते भाई, पैसे भी ले लिए, फोटो भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे, फोटो ले ले, फोटो के पैसे ले ले, वो दे दो। नुकसान तो हमारा भी हुआ, देखो यहाँ से हमारी लगी ना,
फिर भी हमने 2000 रुपए दे ही दिए, वो 2000 मांग रहे थे, 2000 काम नहीं था, वो थोड़ी सी लगी थी। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं MC Sten के बारे में। तो MC Sten गए थे कपिल शर्मा शो में, जहाँ पे उन्होंने एक गाना भी गाया। इसके ऊपर उन्होंने एक पोस्ट करके कहा, क्या बोलती पब्लिक, वाइब है के नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं फिंग के बारे में। तो फिंग ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड करके बोले, अपनी आवाज सुन सुन के पक गया हूँ मैं, कोई मेरा गाना मिक्स कर दो फ्री में। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद को लेकर एक रूमर बहुत स्प्रेड हो रहा था कि वो लोकअप शो में जाने वाले हैं, लेकिन आज उन्होंने इसके बारे में कुछ ये बोला। मुझे अप्रोच भी नहीं किया गया है, तुम लोग चाहते हो ना मैं जेल चली जाऊं, लॉकअप ऐसे ही थी, पर लॉकअप डेफिनेटली नहीं है, मुझे करना ही नहीं। अगर एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट के लिए नहीं जाती मैं कि तुम लोग दो दिन में हम क्या करोगे मेरे बिना, पागल हो जाओगे, तुम लोग का धंधा घर कैसे चलेगा मेरे बिना। बाय 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 बाय।